तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियो के माध्यम से जो सीखने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा डेड मोबाइल फोन का ये हमारा शायद पांचवा टॉपिक होने वाला है कि डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, डेड मोबाइल फोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, या मोबाइल फोन कैसे कैसे डेड होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इससे पहले चार पांच वीडियो में सिखाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेड मोबाइल फोन को यदि उसमें से लीकेज कंडीशन हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, या हमारे मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग कंडीशन हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। आज हमारा जो वीडियो है वो डेड मोबाइल फोन का एक टॉपिक आता है कि अगर हमारा मदरबोर्ड लीकेज कंडीशन में आता है तो उसको कैसे पता किया जाता है, उसको चेक और रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। ये वीडियो आप पूरा आखिरी तक देखें और वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीखें। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो लेकर के आया हूँ डेड मोबाइल फोन पर, कम से कम मैं मोर देन 50 टॉपिक मैं आपको लेकर के आया हूँ, 50 टॉपिक लेकर के आया हूँ कि डेड मोबाइल फोन को कैसे बनाया जाता है, डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, या डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इन चीजों के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूँ। तो अगर आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख रहे हैं तो आप मैसेज जरूर करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर मैसेज करें। और अगर इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि डेड फोन में आज हम लोग सीखेंगे कि यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में लीकेज कंडीशन हो जाती है। लीकेज कंडीशन का मतलब होता है जब आप मोबाइल फोन के बैटरी कनेक्टर में चेक करते हो, बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस में चेक करते हो तो प्लस माइनस में चेक करने पर दोनों तरफ से रीडिंग आती है। एक तरफ से 250 से 500 वैल्यू आती है, दूसरी तरफ से चेक करते हैं तो 500 से लेकर के 1900 वैल्यू आती है, जिसको हम लोग GR वैल्यू बोलते हैं। तो जब हम लोग बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं तो बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका दोस्तों हम लोग जानेंगे और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी डेड फोन आएगा उस डेड मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से वैल्यू आएगी तो आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होगा, या तो आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा, या मोबाइल फोन चालू होगा तो बैटरी बहुत ज्यादा खाएगा, आपके मोबाइल फोन में बैकअप कम हो जाएगा। इस तरीके से अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसी को चेक करने का तरीका हम लोग दोस्तों सीख रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये सीखेंगे कि डेड मोबाइल फोन में हमारे मोबाइल फोन में सप्लाई कहाँ कहाँ पर जाती है। सप्लाई रनिंग मतलब हमारे मोबाइल फोन में, डेड मोबाइल फोन में सप्लाई कैसे चलती है और सप्लाई कहाँ कहाँ पर जाती है, किस तरीके से सप्लाई जाती है, उसको कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ कि डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके हम लोग स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन में सप्लाई कहाँ पर जाती है, सप्लाई कैसे कैसे चलती है, किस तरीके से सप्लाई को चेक किया जाता है। आपके मोबाइल फोन में आप सभी लोग गौर से देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से। आपके पास मोबाइल फोन में सबसे पहली बात आपका बैटरी कनेक्टर आता है, सर वहां से सभी बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत आए तो जूम करके दिखाइए सभी लोगों को। इसमें से बैटरी कनेक्टर का एक पॉइंट तो तुम्हारा माइनस होता है, ग्राउंड होता है, उसके बाद बैटरी कनेक्टर का ये तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है, प्लस सप्लाई आगे जाती है, प्लस के लाइन में डायोड लगा होता है, तुम्हारा वी बैट का टिप्स होता है, उसके पहले कैपेसिटर लगा होता है, एक का 010 ऐसा करके एक रजिस्टर लगा होता है जिसको हम लोग LVR बोलते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। उसके बाद ये सप्लाई तुम्हारी चली जाती है चार्जिंग IC के अंदर, चार्जिंग IC जो होती है, चार्जिंग IC से सप्लाई निकलती है, एक तुम्हारी कॉइल लगी होती है, डायोड लगा होता है,
कैपेसिटर लगा होता है, उसके बाद सप्लाई आगे निकलते हैं। इस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वीपीएच सप्लाई। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होते हैं उसमें तो जब ये सप्लाई निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग वीपीएच सप्लाई। ये वीपीएच सप्लाई जो होती है आगे निकलने के बाद आपके मोबाइल फोन में सबसे पहले जो जाती है वो तुम्हारी पावर आईसी के अंदर जाती है। पावर आईसी को काम करने के लिए यहां पर जो सप्लाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं 3.7 वोल्टेज। फिर इसके बाद यही वीपीएच सप्लाई तुम्हारे मोबाइल फोन में क्वाइल के माध्यम से लाइट आईसी के अंदर जाती है। फिर यही वीपीएच सप्लाई रिंगर आईसी पर जाती है। यही वीपीएच सप्लाई क्वाइल के माध्यम से आपके मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक आईसी पर जाती है, जिसे डिस्प्ले आईसी भी कहते हैं, ग्राफिक आईसी भी कहते हैं। ग्राफिक आईसी पर सप्लाई जाती है। उसके बाद फिर यही वीपीएच सप्लाई तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर पीएफओ के अंदर जाती है। पीएफओ आईसी जो आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क लाने काम करती है यही सेम वीपीएच सप्लाई जाती है। फिर उसके बाद यही वीपीएच सप्लाई तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर 4G पीएफओ के अंदर जाती है। किसमें जाती है दोस्तों? 4G पीएफओ, जो 4G पीएफओ लगा होता है वो 4G पीएफओ के अंदर सप्लाई जाती है। फिर यही वीपीएच सप्लाई आपके मोबाइल फोन के अंदर एपीटी आईसी के अंदर जाती है। एपीटी जो आपके मोबाइल फोन में ये भी नेटवर्क के लिए 4G को सप्लाई देने काम करती है, उसके लिए भी यही वीपीएच वोल्टेज जाते हैं। और आपके मोबाइल फोन के अंदर छोटे छोटे एलडीओ सर्किट लगे होते हैं 4-4 पिन के, उसके अंदर भी वीपीएच सप्लाई जाती है। और आपके मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं सभी सेक्शन में, जितने भी सारे सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन में फिलहाल सप्लाई के लाइन में कैपेसिटर लगे होते हैं, इन कैपेसिटर में सप्लाई जाती है। ये सभी पे जो वीपीएच सप्लाई जाती है 3.7 वोल्ट सप्लाई जाती है। अब इसके बाद पावर आईसी क्या काम करती है? पावर आईसी अपने अंदर से उस सप्लाई को लेती है, फिर यह सप्लाई तुम्हारे सीपीयू को जाती है, आपके मोबाइल फोन में एमएमसी के लिए जाती है, या आपके मोबाइल फोन में वाईफाई आईसी के लिए दे, या और भी मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन काम करते हैं सभी सेक्शन के लिए सप्लाई निकलती है। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चेक करने पर, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर, यदि दोनों तरफ से चेक करने पर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू आती है। यहां पर आपने चेक किया प्लस माइनस में चेक किया, तो प्लस माइनस में चेक करने पर यदि दोनों तरफ से आपने इसमें चेक किया तो दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है। एक तरफ से 300 से लेकर 600 वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ से वैल्यू जो आ रही है वो 300 से लेकर के 1900 तक वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में लीकेज कंडीशन है। लेकिन आपके मोबाइल फोन में बीप नहीं आ रही तो बीप का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग नहीं है। लीकेज का मतलब होता है कि हमारे मोबाइल फोन में आईसीओ के जब दूसरे हिस्से में शॉर्टिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीकेज बोलते हैं। यदि आईसीओ के जहां पर मेन सप्लाई जा रही होती है प्राइमरी हिस्से में शॉर्टिंग होती है तो वो हमारे मोबाइल फोन में शॉर्टिंग में काउंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल जब मैं लीकेज के बारे में टॉपिक में बात कर रहा हूं तो लीकेज का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में आउटपुट में शॉर्टिंग होना। क्या होना? आपके मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में आउटपुट में शॉर्टिंग होना। आउटपुट का मतलब होता है यदि सप्लाई जब चार्जिंग आईसी से आगे वीपीएच लाइन निकलती है तो वो आपका आउटपुट हिस्सा हो जाता है, जिसको सेकेंडरी लाइन बोलते हैं, उस लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है। उसको हम लोग इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो यदि आपके मोबाइल फोन में लीकेज होता है तो आप इस सेक्शन को नहीं चेक करेंगे, आप केवल इन सारी चीजों को चेक करेंगे। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है यदि लीकेज कंडीशन में आता है तो सबसे पहली बात आप मोबाइल फोन लें, पूरे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करें, मदरबोर्ड को साफ करें। साफ करने के बाद बोर्ड के अंदर जितने भी सारी चीजें देखें, कहीं मॉइस्चर तो नहीं है, कहीं नमी तो नहीं है, कहीं कार्बन तो नहीं है, इन सब चीजों को चेक करें। मैं अभी एक एक करके इस बोर्ड के बारे में आपको अच्छे से डिस्प्ले में दिखा भी दूंगा। उसके बाद पूरे फोन को साफ सूफ करें, हीट करें हल्का सा, फिर भी दिक्कत है तो बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर डायोड लगे होते हैं
सारे कैपेसिटर डायोड को वन बाय स्टेप स्टेप करके चेक करें। अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर कोई भी कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाता है, ज्यादातर सीपीयू आईसी लगी होती है, सीपीयू आईसी के पास में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं जो सीपीयू में सप्लाई फिल्टर होकर के जाती है, सीपीयू लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके जितने भी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं सारे कैपेसिटर डायोड को चेक करते हैं। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, सारे कैपेसिटर डायोड को चेक करते हैं। अगर इनमें से कोई भी कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाता है तो कैपेसिटर डायोड शॉर्ट होने का मतलब होता है वो हमारा लाइन काम करना बंद कर देता है, वो लाइन हमारा शॉर्ट हो जाता है। तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो बोर्ड के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, बोर्ड के अंदर जितने सारे डायोड लगे हैं, बोर्ड के अंदर जितनी भी सारी कॉइल्स लगे हैं, सभी चीजों को हम लोग ग्राउंड से लगा करके ऐसे एक एक करके वन बाय करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग तो नहीं है, आपके मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, या उसके ट्रैक में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, उसके जो ट्रैक का हिस्सा है उसमें तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ग्राउंड से रख करके एक एक करके सभी को चेक करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट काम क्या करना है, आपको जितने भी सारे कैपेसिटर डायोड चेक कर लिया, उसके बाद रेड पिन को ग्राउंड पर रखना, वीपीएच की जो कॉइल है इस वीपीएच की कॉइल में आप चेक करेंगे, ये कॉइल में चेक करेंगे इस वीपीएच की कॉइल में शॉर्टिंग तो नहीं है। आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर कभी पा रही कि नहीं आ रही, अगर पा रही तो मतलब वीपीएच लाइन शॉर्ट है। दोस्तों जब वीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो तुम्हारा एलडीओ सर्किट है, एपीटी है, 4G है, पीएफओ है, लाइट ग्राफिक्स सब जगह पर बीप आएगी। तो आप एक एक करके सभी सेक्शन को चेक करें, एलडीओ को चेक करें, एपीटी सर्किट को चेक करें, 4G 2G लाइट सेक्शन, लिंगर आईसी, ग्राफिक, इन सभी चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करें, इनमें किसी भी हिस्से में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। जब आपने सभी चीजों को चेक कर लिया, उसके बाद आप मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर लगे हैं सारे कैपेसिटर में चेक करें, किसी भी कैपेसिटर में बीप नहीं आनी चाहिए। इन सारे कैपेसिटर में एक स्टेप बाय स्टेप करके चेक करेंगे तो किसी में बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आती है तो बीप आने का मतलब है इसके लाइन में हमारे क्या हो गई है शॉर्टिंग हो गई। जब इसके लाइन में शॉर्टिंग हो जाएगी तो हमारा मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। तो अगर सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं तो उनको एक बाय स्टेप हटा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रैक में इससे में शॉर्टिंग आती है, जैसे मान लिया वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग है, तो आप वीपीएच की कॉइल को खोल देंगे। कॉइल खोलने से क्या हो जाएगा, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, चार्जिंग आईसी की तरफ का अलग हो जाएगा, दूसरी तरफ का अलग हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप शॉर्टिंग पता कर लेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल फोन में आउटपुट हिस्से में जितनी भी सारी चीजें लगी हैं सभी चीजों की शॉर्टिंग को आप चेक करेंगे। जब सभी चीजों को शॉर्टिंग को चेक करेंगे, अगर उसकी लाइन में कोई शॉर्टिंग होती है तो आपका हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इस तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर लीकेज कंडीशन होती है, तो लीकेज कंडीशन में शॉर्टिंग को आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो। अब इसी चीज को मैं दोस्तों मैं आपको वीडियो में मैं थोड़ा सा मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूं, ताकि आप मदरबोर्ड में अच्छे से वॉच कर सके और मदरबोर्ड में कैसे इस चीज को स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे। तो जैसे आपके पास मदरबोर्ड है तो आपने क्या किया, सबसे पहली बात आपको क्या करना, बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टर में जब आप चेक करेंगे तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आएगी। क्या की दोस्तों, यहाँ पर दोनों तरफ से बीप आती है तो शॉर्टिंग है, अगर यहाँ पर चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आती है।
तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हमारे पास जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे जो ब्राउन कलर के लगे होते हैं, ये सारे कैपेसिटर होते हैं। अगर इन कैपेसिटर के अंदर कोई भी एक मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, तो शॉर्टिंग होने का मतलब क्या रहता है कि आपके मोबाइल फोन में वो लाइन काम करना बंद कर देगी, वो हिस्सा काम करने का बंद कर देगा, वो ट्रैक काम करना बंद कर देगा। तो हम बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर होते हैं, सारे कैपेसिटर को स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि जैसे ही पिनों को चेक करेंगे, इन पिनों में चेक करने पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट किया, बी पॉइंट पर सेट करने पर दोस्तों हमने रेड पिन को ग्राउंड पर लगाया। कहां पर लगाया? ग्राउंड पर लगाया। यहां पर चेक किया तो यहां पर चेक करने पर वैल्यू आ रही, यहां पर चेक किया तो यहां पर बीप आ रही, ओके। यहां पर वैल्यू आ रही, यहां पर बीप आ रही, ओके। अगर मान लिया आपने चेक किया, इधर भी बीप आ रही, 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 अगर दोनों तरफ बीप आ रही है, दोनों साइड में बीप आने लगती है अगर किसी कंपोनेंट्स के अंदर, तो आपके मदरबोर्ड के अंदर वो ट्रैक शॉर्ट हो गया, या उस ट्रैक के अंदर शॉर्टिंग है, या उस कैपेसिटर जो लगे हैं उनमें शॉर्टिंग है। यानी उस ट्रैक के अंदर जो प्लस माइनस में जो जो चीजें लगी हैं, अगर उनमें से कोई भी एक चीज शॉर्ट हो जाएगी तो वो चीज काम करना बंद कर देगी। तो ऐसे आप एक एक करके जितने भी सारे कैपेसिटर्स होते हैं, सारे कैपेसिटर को, मदरबोर्ड के सभी कैपेसिटर को आप चेक कर लेंगे। अगर कोई भी लाइन, कोई भी ट्रैक, कोई भी वे, कोई भी कनेक्शन आपका मदरबोर्ड में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट होता है तो आपका मदरबोर्ड सेट डेड हो जाएगा, हैंडसेट ऑन नहीं होगा। तो सारे कैपेसिटर को चेक कर डालिए। यहाँ तक कि डायोड लगा, डायोड में चेक करिए, एक तरफ से बीप आ रही है तो दोनों तरफ से वैल्यू आनी चाहिए, इधर दोनों तरफ से वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से बीप आती है तो इसका मतलब होता है आपके इसके लाइन में शॉर्टिंग है। अगर इसके लाइन में शॉर्टिंग है तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा, आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब ये चेक कर लिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जितने भी मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहली बात क्या करना है, आपको मोबाइल फोन को मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करना है। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद रेड पिन को ग्राउंड पर लगाना है। अब आपको क्या, यहां पर बीपीएच की लाइन चेक करना है। जैसे आपने मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर लगाया, रेड पिन को ग्राउंड पर लगाया, ग्राउंड पर लगाने के बाद जब आपने रेड पिन को ग्राउंड पर लगा दिया, आप इस कॉइल में चेक करेंगे। इस कॉइल में चेक करने पर, जैसे लाइट के लिए कॉइल यूज हो रही है, तो इस कॉइल में चेक करेंगे तो कॉइल में चेक करने पर बीप नहीं आनी चाहिए। बीप आने का मतलब होता है इस लाइन में शॉर्टिंग है, क्योंकि यहां से जब आपकी वीपीएस सप्लाई निकलेगी तो वीपीएस सप्लाई मोबाइल फोन में, मदरबोर्ड में और भी जो बहुत सारी चीजें हैं उन सभी चीजों को चालू करेगी जा करके। जैसे तुम्हारा, यहां तक कि तुम्हारा जो पीएफओ आईसी लगी है, ये पीएफओ आईसी के पास में अगर आप देखेंगे, ये कैपेसिटर लगे हैं, ये डायोड लगे हैं, या दूसरा कोई सेक्शन लगा हुआ है, या ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों में आप चेक करेंगे, इनमें वीपीएस सप्लाई जाती है। अगर कोई भी शॉर्टिंग हो जाएगी तो हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, जितनी भी कॉइल है सारी कॉइलों में चेक करेंगे, कोई भी कॉइल में चेक करने पर ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए। एक कॉइल होती है जो ग्राउंड से बीप देती है, ग्राउंड से जुड़ी होती है, बाकी मोस्टली सभी कॉइलों को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। किसी भी कॉइल में ग्राउंड से बीप नहीं आएगी। अगर बीप आती है तो इसका मतलब होता है उस कॉइल के लाइन में शॉर्टिंग है। उसके बाद फिर तुम पावर आईसी जो लगी है, पावर आईसी के पास में सभी कॉइलों को चेक करेंगे। पावर आईसी के पास में जितने भी सारे कैपेसिटर लगे हैं उन सारे कैपेसिटर को चेक करेंगे, किसी कैपेसिटर पे बीप नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये आपके मोबाइल फोन में पीएफओ के पास में चेक करेंगे। ये आपका तुम्हारा 2G 3G का पीएफओ में डायोड कैपेसिटर लगा है, इसको लाइन में शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। ये कैपेसिटर लगे हैं इनको चेक करेंगे। ऐसे मोबाइल फोन में एक एक करके सभी चीजों को चेक करेंगे। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत सारे कैपेसिटर लगे, 1 2 3 4, ये 4 5 6 कैपेसिटर लगे, ये 4 5 6 कैपेसिटर जहां मोटे मोटे एक साथ लगे होते हैं, तो आप समझ जाइए ये कैपेसिटर मोस्टली सीपीयू के होते हैं। किसके होते हैं? सीपीयू के। अगर इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी शॉर्टिंग हो जाएगी तो यहां से सप्लाई निकलती है। कहां से सप्लाई निकलती है दोस्तों, मैं एक बार समझा देता हूं। ये तुम्हारी सप्लाई निकलेगी, कॉइल से निकलेगी, कॉइल से फिर जाएगी, कॉइल के अंदर घुस जाएगी, ये सप्लाई निकलेगी, और ये इसका ये सारा हिस्सा क्या होता है, ग्राउंड होता है, ये सप्लाई निकलेगी और ये सप्लाई तुम्हारी भाग जाएगी सीपीयू के अंदर। कहां पर जाएगी? सीपीयू के अंदर। तो अगर इस सारे कैपेसिटर में बीप आ रही है तो कॉइल को खोल के देख लीजिए। कॉइल खोलने से दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा पावर आईसी की तरफ का, दूसरा हिस्सा सीपीयू की तरफ का। अगर पावर आईसी की तरफ बीप आ रही है तो मतलब पावर आईसी में शॉर्टिंग है। अगर सीपीयू आईसी की तरफ बीप आ रही है तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी में शॉर्टिंग है। तो आप उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आप मोबाइल फोन में सीपीयू जो लगा है उसको देखेंगे। ऐसे मदरबोर्ड के एक एक करके जितने भी सारे हिस्से होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन में ये दोस्तों सीपीयू लगा है, सीपीयू के बाद में जो कैपेसिटर लगा है, एमएमसी के बाद में जो कैपेसिटर लगे हैं, इन सारे कैपेसिटर में चेक करेंगे। इन सारे कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग हो जाएगी तो एमएमसी शॉर्ट है या सीपीयू शॉर्ट है। ऐसे एक एक करके जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे मदरबोर्ड को आप लोग क्या करेंगे, चेक कर डालेंगे।
अगर उसके अंदर शॉर्टिंग है तो आपका मोबाइल फोन हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में लीकेज कंडीशन को चेक करना, लीकेज कंडीशन का मतलब होता है मदरबोर्ड में आउटपुट लाइन को चेक करना। क्या करना? मदरबोर्ड में आउटपुट लाइन को चेक करना। अगर आउटपुट लाइन में कोई भी शॉर्टिंग हो जाएगी तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा, हैंडसेट डेड हो जाएगा, और मदरबोर्ड में दोनों तरफ से वैल्यू आएगी। बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे, ऐसी कंडीशन को हम लीकेज में या लीकेज के वे में या लीकेज के तरीके में हम लोग उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये दोस्तों हमने आपको पूरा सर्किट बना करके आपको समझाया है कि हमारे मोबाइल फोन में सप्लाई कहां कहां पर जाती है और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे। एक प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में लीकेज कंडीशन की प्रॉब्लम आती है, लीकेज कंडीशन की समस्या आती है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर आउटपुट हिस्से में शॉर्टिंग होती है या मोबाइल फोन के अंदर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो जाती है, या मोबाइल फोन में सीपीयू की लाइन शॉर्ट हो जाती है, या मोबाइल फोन में एमएमसी की लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो उसको आप लोग कैसे चेक करेंगे और कहाँ पर वो लाइन है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है। ये डेड मोबाइल फोन का एक हमारा पांचवा छठवां कॉन्सेप्ट था। जिस तरीके से आपके पास डेड फोन आएगा तो आप इसको देख करके इसके हिसाब से आप मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में शॉर्टिंग को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो पर, अगले वीडियो पर। और ये डेड फोन से संबंधित दोस्तों मैं आपको 50 वीडियो मैं आपको लेकर के आया हूँ, जिससे मैं आपको डेड मोबाइल फोन के बारे में आपको बेहतर और अच्छी तरीके से सिखा सकूँ। ऐसा वीडियो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलेगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। इसमें से जो एक्सपीरियंस वाले हैं, काफी टाइम से जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी सीख सकते हैं, जो लोग नए हैं वो भी सीख सकते हैं, या डेड मोबाइल फोन को बनाने का एक आसान तरीके का एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि कैसे डेड मोबाइल फोन को बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि सेकेंडरी लाइन को कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका हम लोगों ने जाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की इसी तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ये कानपुर जो रेलवे स्टेशन है वहीं इसके जस्ट 300-400-500 मीटर पास में या पैदल का डिस्टेंस है, और यहाँ पर यह पूरी सबसे बड़ी मार्केट पड़ती है, मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है सागर मार्केट, और यहीं पर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग होता है। यहाँ पर दुनिया जान का मोबाइल फोन का सामान रिपेयरिंग सब कुछ होता है, तो इससे क्या होता है आपको बेहतर और अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको कहने वाला हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अभी आने वाले हैं, उनको 10-15 तारीख के बैच में आना है जिन स्टूडेंट को, तो वो लोग आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपना क्लास के लिए बैच के लिए अपना पूरा फाइनली बात कर लें, ताकि आपको आने में सीखने में कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी ना हो। या जो लोग ऐसी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से अगर सीख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कॉपी में भाई आप अच्छा से नोट करो, ताकि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सिखाने का आपको बेनिफिट आपको अच्छे से मिले, और आप अच्छे से सीख करके अच्छा काम सीख जाओ और अच्छा रिपेयरिंग करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे एक सुशील कुमार स्टूडेंट हैं जो लोग सचेंडी कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप ओपन करी है, उनको 2-3 महीने हो गया सीखते सीखते। इसी तरीके से अब मैं उनका वीडियो, जब मैं उनकी शॉप पर जाऊँगा तो कभी उनका वीडियो अगर बनाऊँगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आपको भेजूँगा, ज़रूर आपको अपलोड करूँगा। ये सारी मैं चाहता हूँ कि हमारा हर एक स्टूडेंट जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग बेरोजगार हैं या किसी तरीके से उनको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।